नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंसेस है उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आज जानेंगे। तो देखिए, हमारा जो स्ट्रक्चर है एक्टिव का मतलब, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, एक्टिव का मतलब टेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हम पैसिव के स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑब्जेक्ट के साथ में वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। और एग्जांपल हम देखते हैं, आई टॉट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाया। तो जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो इंग्लिश, जबकि इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वॉज आया, इंग्लिश वॉज टॉट बाय, आई का कन्वर्ट किया हमने मी में, इंग्लिश वॉज टॉट बाय मी। अब हम बात करेंगे नेगेटिव का। तो जो नेगेटिव होता है उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अब इसका जो पैसिव है उसका जो स्ट्रक्चर करेंगे, ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो एग्जांपल की मदद से देखते हैं, एक्टिव देखेंगे, शी डिड नॉट पनिश मी, उसने मुझे पनिशमेंट नहीं किया। तो अब जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो मी को अब हम देखते हैं एक्टिव का सेंटेंस, शी डिड नॉट पनिश मी, उसने मुझे सजा नहीं दी। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो मी को कन्वर्ट किया आई में, और आई के साथ क्या लगता है, वॉज, आई वॉज, अब ये डिड नॉट था इसलिए नॉट लगेगा, आई वॉज नॉट पनिश्ड का थर्ड फॉर्म पनिश्ड, आई वॉज नॉट पनिश्ड बाय, शी को कन्वर्ट किया हमने हर में, तो आई वॉज नॉट पनिश्ड बाय हर। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है, डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वॉज वर्ब स्टार्टिंग में आएगा, फिर ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको क्लियर करूंगा, डिड यू हेल्प मी, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वॉज, क्योंकि मी हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको यहां लाके सब्जेक्ट बनाया, तो वॉज आई, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय यू का यू, तो वॉज आई हेल्प बाय यू, ये हमारा हो गया। हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की तरफ। तो उसमें जैसे ये फर्स्ट होता है वैसे सेकंड होता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि यहां पर क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन वर्ड को ऐड किया, तो क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका जब पैसिव का स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड वॉज वर्ब, ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखेंगे, व्हेन डिड ही हेल्प देम, इसके हिंदी में मतलब क्या रहेगा, उसने उनकी कब सहायता की। अब जब इसका पैसिव बनाएंगे तो व्हेन वर्ब, या वर्ब इसलिए आया क्योंकि देम ऑब्जेक्ट है, इसको कन्वर्ट किया तो दे आया, और दे के साथ वर्ब लगेगा, व्हेन वर दे हेल्प्ड बाय हिम। आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए, तो मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। धन्यवाद।